आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साई न्यूज। सोमवार 20 अप्रैल 2020। कुछ छूट टोटल लॉकडाउन में राज्य सरकार जिला प्रशासन के द्वारा प्रदाय की गई है। हम कलेक्टर कार्यालय प्रांगण का नज़ारा आपको दिखाते हैं। पूरी तरह सुनसान सड़कें आप देख सकते हैं। घर पर रहें, घरों से ना निकलें, टोटल लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ये आप देखिए जिला पंजीयक कार्यालय, यहाँ भी ताला जड़ा हुआ है। दोपहर 1 बजे के लगभग समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादक शरद खरे की ये रिपोर्ट है। हम आपको दिखाते हैं कार्यालयों में ताले अगर लगे हुए हैं तो लोग किस तरह अपना काम करा पाएंगे, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ उपपंजीयक कार्यालय, यहाँ पर भी आप देखिए पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है, ताले बंद हैं। फोटोकॉपी की दुकानें भी बंद हैं। कलेक्टर कार्यालय परिसर ये देखिए, आबकारी विभाग में भी, इसके कार्यालय में भी ताला लगा हुआ है। चारों ओर सुनसान है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें, घरों पर ही रहें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संपादक शरद खरे की रिपोर्ट है। आबकारी विभाग में आप देखिए, यहाँ भी ताला है, हर जगह ताले लगे हुए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन का पालन शायद सिवनी में नहीं हो पा रहा है। सरकारी नुमाइंदे इसका पालन करने से कुछ कतराते दिख रहे हैं। ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। लगभग 30 दिन बीत चुके हैं, 1 महीना बीत चुका है टोटल लॉकडाउन का, और कर्फ्यू के लगभग 26 दिन बीत चुके हैं। आप घर पर रहें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की आंखों से आप शहर का नज़ारा देखिए। अगर आप घर पर हैं तभी कोरोना COVID-19 की चैन को सिवनी में थामे रखा हो गया है। सिवनी में एक भी संक्रमित मरीज इसी कारण नहीं मिल पाया। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।